हेलो गाइस, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल गाइस। आपको थंबनेल से पता लग गया होगा आज का जो व्लॉग रहने वाला है वो रहने वाला है करवा चौथ पे, करवा चौथ इन लंदन। तो आज के व्लॉग में मैं आपको सारा जो है शेयर करूँगी कि मैंने कैसे करवा चौथ सेलिब्रेट किया इधर अकेले रह के बिना फैमिली सपोर्ट से। जी हाँ, तो ये मेरा बिल्कुल अलग और नया एक्सपीरियंस था, तो अच्छा गया मेरा करवा चौथ। आप भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सबका करवा चौथ कैसा रहा। तो आज के व्लॉग में मैं सारा शेयर करूँगी कि मैंने परचेजिंग कहाँ से की, सारा कुछ जो भी सामान वगैरह चाहिए होता है करवा चौथ में वो मुझे यहाँ मिला नहीं मिला वो सारा आपको बताऊँगी। और सबसे बड़ी बात, कथा सुनने जाना, तो ये भी बताऊँगी कि मैं कथा सुनने के लिए किधर गई, कहाँ गई और क्या माहौल था उस प्लेस का, सारा आपके साथ जो है शेयर करूँगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बने रहना इस व्लॉग में। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले शॉपिंग स्टार्ट की मैंने अपने सूट से, क्योंकि मैं इंडिया से कोई भी सूट नहीं लेके आई थी। तो मैंने शॉपिंग स्टार्ट की, सब बहुत अच्छे अच्छे सूट्स थे, इसमें से मैंने एक मेहरून कलर का सूट पसंद कर लिया, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि वो कौन सा सूट था। बाकी ये साउथ साइड बॉर्डर में है जिसे मिनी पंजाब बोलते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी इंडिया की मिल जाती है आपको इधर। करते हैं ये पूरा सेट, ये पूरा थाली सेट मैंने जो है ब्रॉडवे से परचेज किया था, बहुत जेन्युइन प्राइस में मुझे मिल गया था ये, मुझे 10 पाउंड्स में सारा सेट मिल गया, बहुत अच्छा। और मतलब नीचे देखिए स्टील की प्लेट है, सो काम चल गया मेरा। मुझे लगा कि ऐसी चीज़ें जो है ना यहाँ इंडिया में मिलती हैं इधर नहीं मिलेंगी, लेकिन पूरा जो साउथ हॉल था ना पूरा ब्रॉडवे भरा हुआ था करवा चौथ पे, ऐसा लगा ही नहीं कि हम जो हैं इंडिया से बाहर हैं। तो ये मुझे 10 पाउंड्स में मिल गया था। उसके बाद ब्रॉडवे से ही मैंने मिठाई ले ली, मैंने मीठी जो मट्ठी होती है वो ली, फीकी ली और साथ में जलेबियाँ ले ली, क्योंकि जलेबियों के बगैर तो सारे त्यौहार ही फीके पड़ जाते हैं ना। तो ये मुझे साउथ हॉल से ही मिल गई थी ब्रॉडवे से। उसके बाद वापस आके मैंने मेरे नीचे ही जो रूममेट्स हैं उनसे मैंने मेहंदी लगा ली, क्योंकि बाहर से नहीं लगवाई, उसको आती थी मैं कीप ले आई और उसने मेरे मेहंदी लगा दी, बहुत अच्छा कलर आया था। देन अगले दिन मैंने सर्गी रेडी की जिसमें मैंने आलू गोभी की सब्जी, परौंठी और जो 7 चीज़ें होती हैं वो पूरी की। और उसके बाद मैं नहा के जो सुच्चे कपड़े नए कपड़े हैं वो डाल के मैंने पूजा की और फिर हम दोनों ने मिल के बैठ के सर्गी खाई सुबह सुबह और फिर हम सो गए। फिर हम उसके बाद शाम को हमें कथा सुनने जाना था, उसके लिए मैंने रेडी हुई, मैंने जो नया सूट लिया था वो पहना और थोड़ा सा मेकअप किया। वो मेकअप क्या था मैं आपको बता देती हूँ, हम मेकअप की कि मेकअप पे मैंने क्या क्या अप्लाई किया करवा चौथ पे। तो सबसे पहले एक्चुअली बताऊँ, मैंने बहुत देर बाद मेकअप अप्लाई किया, तो सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया। फेस वॉश करके सबसे पहले मैंने जो अप्लाई किया वो ये सीरम है, बहुत अच्छा अरोमा वर्क्स का सीरम है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। देन इसके बाद मैंने जो है ये मॉइस्चराइज़र क्रीम जो है इसको अप्लाई किया। देन उसके बाद सनस्क्रीन, बहुत ज़रूरी है सनस्क्रीन अप्लाई किया, बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, SPF 50+ का है, बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। देन उसके बाद ये सारा करके जो उसके बाद मेरा फर्स्ट स्टेप था वो था ये कंसीलर है मेबलिन का, ये मैंने अप्लाई किया। कंसीलर के बाद मैंने फाउंडेशन अप्लाई की, फाउंडेशन के बाद मैंने ये कॉन्टोर स्टिक है NYBA की इसको अप्लाई किया। एंड सब कुछ करने के बाद मैंने जो है ये ब्लशर, ऑरिफ्लेम का ब्लशर है, बहुत अच्छा है पिंकिश कलर का, ये अप्लाई किया एंड दैट्स इट। उसके बाद मैंने ये जो है अपना लिप क्रेयॉन अप्लाई किया और जो आईलाइनर आईब्रो पेंसिल होता है ये सब अप्लाई किया और बस अपने बाल अच्छे किए और मेरा जो लुक था वो हो गया रेडी। करते हैं फुटवियर की, ये मेरे फुटवियर हैं, ये मैंने वियर किए थे करवा चौथ पे, ये मुझे शेड बहुत पसंद है और बहुत ही क्यूट और डिसेंट लुक के ये फुटवियर हैं।
उसके बाद मैं रेडी होना स्टार्ट हो गई। रेडी हो रही थी लेकिन मेरे मन में यही टेंशन थी कि पता नहीं कथा सुनने कहाँ, मतलब जहाँ भी जाऊँगी वहाँ रौनक होगी नहीं होगी, कैसा माहौल होगा, तो बस यही टेंशन थी। बाकी मैं अच्छे से रेडी वगैरह हो गई तो हमारे नीचे जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ चलना, जहाँ कथा सुननी है यहाँ मंदिर है तो वहाँ चलना। मैंने कहा चलो ठीक है, एक टेंशन तो दूर हो गई कि उनके साथ जा रही थी मैं, लेकिन यही था कि पता नहीं कैसी रौनक होगी। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं देखकर हैरान रह गई गाइज़। मैं आपको क्लिप आगे मैंने डाली है कि क्या माहौल था, मतलब इतना मज़ा आया ना, ऐसा लगा ही नहीं कि हम इंडिया से बाहर। तो ये जो थी अपनी पूजा के लिए सामान इकट्ठा किया और रेडी शेडी होके मैं नीचे आ गई। और फिर बस हमने निकलना ही था, 7:45 बजे जो है मैं रेडी हो गई थी, तो 7 बजे जो है हम घर से निकल गए पूजा के लिए। तो आगे मैं दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हैं कितना रश, कितनी भीड़ और बिल्कुल ही त्यौहार वाला माहौल रखा था। और मैंने आरती की और फिर उसके बाद जो कथा थी वो सुना। करवा चौथ का व्रत तो शुरू कर दे, बिरावती इकलौती थी इसलिए कोमल थी, नाजुक थी, व्रत की तपस्या और कठोरता को वह सहन नहीं कर सकी। शाम होते होते ही जैसे पौधों को पानी नहीं देने से, धूप लगने से मुरझाने लगते हैं, उसका चेहरा मलिन होने लगा। तो कथा के बाद मैं घर आ गई हूँ कथा सुन के। तो रात हो चुकी है, बस अब जो है चंद्रमा का ही इंतज़ार है। भूख बहुत लगी हुई है गाइस, बहुत भूख लगी हुई है, तो बस वेट है अब कब चांद निकलेगा और कब मैं अपना जो है पूरा करूँगी अपना व्रत। तो आप देख सकते हो चांद तो निकल चुका है और मैं सारी पूजा की थाली लेके आ गई हूँ, लेकिन चांद बादलों में छुपा हुआ है। यही मुझे गाना याद आ रहा है, चांद छुपा बादल में। तो बस अब वेट है, मैं तो रेडी हूँ कि कब चांद बादलों से बाहर आएगा और मैं देख के अपना व्रत पूरा करूँगी। और चांद जो है बाहर आ गया और मैंने अपना व्रत पूरा करने की जो विधि है उसको शुरू किया, आप देख सकते हैं। तो गाइज मैंने चांद को देख लिया और अब मैं चांद को अर्घ दे रही हूँ। तो अर्घ दे के आप देख सकते हैं, दरअसल मैं घर के बाहर हूँ, घर के बाहर ही, क्योंकि यहाँ पे छत तो होती नहीं है, तो घर के बाहर ही हम हमने चांद को देखा। तो बहुत अच्छा मेरा त्यौहार रहा, बहुत इन्जॉय किया हम सब ने, और जो हमारे ओनर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी मेरे साथ व्रत रखा था तो मेरा साथ बन गया उनके साथ। तो अब मैं चरण जो है स्पर्श करूंगी अपने पति देव के, जिनके लिए मैंने व्रत रखा था। तो पहले मैंने इनको तिलक लगाया और चरण छुए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो अब थोड़ी सी फोटोग्राफी हो रही है हमारी, तो फोटो कराने के लिए मैंने दोबारा से उनके ये पोज मारा है। चलिए गाइस, तो ये था मेरा करवा चौथ का व्रत जो कि सक्सेसफुली बहुत अच्छे से पूरा हुआ। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरी कोशिश यही है कि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके सामने लेके आऊँ। तो ये हमारी फैमिली है, देख सकते हो आंटी जो ओनर के मम्मा हैं, और ये कुछ
पिक्चर्स मैंने क्लिक की हैं,